हेलो एवरीवन, हम इस वीडियो के अंदर क्लास क्लोरोफाइसी ग्रीन एल्गे जो कि फर्स्ट क्लास है किसकी डिवीजन थैलोफाइटा की उसको हम डिटेल में स्टडी करेंगे। क्लोरोफाइसी ग्रीन एल्गे, ये जो ग्रीन एल्गे है मोस्टली फ्रेश वाटर मराइन एंड ब्रैकिश वाटर में मिलते हैं। इसके अलावा ये सब एरियल भी ग्रो करते हैं। सब एरियल में ये बेसिकली जो ट्री ट्रंक होता है उसमें मॉइस्ट सॉइल और मॉइस्ट वुड पे भी ग्रो करते हैं। तो ग्रीन एल्गे के अंदर जब पिगमेंट्स की बात करें तो पिगमेंट उनमें होता है सेम जैसा कि हायर प्लांट्स के अंदर होता है। उनका जो पिगमेंट होता है क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी प्रेजेंट होता है और ये बिल्कुल हायर प्लांट्स जैसा ही होता है। इसीलिए जो ये वाले एल्गी हैं मतलब दिस क्लोरोफाइसी अपीयर ग्लास ग्रीन की तरह होते हैं बिकॉज ऑफ द डोमिनेंस ऑफ क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी। जो ये पिगमेंट्स होते हैं क्लोरोफिल ए एंड बी किसमें प्रेजेंट होते हैं क्लोरोप्लास्ट के अंदर। ग्रीन एल्गे के अंदर जो क्लोरोप्लास्ट है उनकी शेप बहुत डिफर होती है, अलग अलग होती है अलग अलग स्पीसीज के अंदर। कुछ क्लोरोप्लास्ट होते हैं जो कि डिस्कॉइड शेप के होते हैं, लाइक क्लोरोप्लास्ट की जो स्ट्रक्चर है और शेप है वो वेरिएबल होती है। तो फर्स्ट हम बात करें डिस्कॉइड शेप का, जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो कारा ग्रीन एल्गी में मिलता है। देन रेटिक्यूलेट और वी कैन से नेट लाइक जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो ऑइडोगोनियम ग्रीन एल्गी में मिलता है। फिर हम बात करें कप शेप क्लोरोप्लास्ट होता है वो क्लेमाइडोमोनास में मिलता है। फिर हम बात करें स्पाइरल और रिबन शेप, दिस इज प्रेजेंट इन स्पायरोग्लाइना। तो ग्रीन एल्गे के अंदर जो क्लोरोप्लास्ट की शेप है वो वेरिएबल होती है, डिस्क शेप रेटिक्यूलेट कप शेप और स्पाइरल डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में मिलते हैं। क्लोरोप्लास्ट के अंदर कुछ स्टोरेज बॉडीज होती हैं, उनको पाइलॉइड बोलते हैं। क्लोरोप्लास्ट कंटेन वन और मोर टाइप ऑफ अ स्टोरेज बॉडी नोन एज पाइलॉइड्स। और ये पाइलॉइड्स स्टोर करती हैं स्टार्च के साथ साथ प्रोटीन्स भी। ये स्टोर करती है पाइलॉइड्स। पाइलॉइड्स इज अ स्ट्रक्चर व्हिच इज प्रेजेंट इनसाइड क्लोरोप्लास्ट, जिसको ये क्या होती है स्टोरेज बॉडीज होती है, वो प्रोटीन भी स्टोर करती है बिसाइड्स स्टार्च। और जो स्टोर्ड मटेरियल होता है किसके अंदर स्टोर्ड फूड होता है इन ग्रीन एल्गे इज स्टार्च एंड ऑयल ड्रॉपलेट्स। स्टार्च एंड ऑयल ड्रॉपलेट हमने जब क्लासिफाई किया था किसको एल्गे को इन थ्री क्लासेस, तो हमने बेसिस लिया था पिगमेंट स्टोर्ड फूड एंड फ्लैजिलेशन। तो पिगमेंट जो ग्रीन एल्गे में होता है क्लोरोफिल ए एंड बी होता है, इसमें स्टोर्ड फूड होता है स्टार्च एंड ऑयल ड्रॉपलेट्स। फिर जो हमारा थर्ड बेसिस है वो है फ्लैजिलेशन, तो इनमें फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं। फ्लैजिला ग्रीन एल्गे के अंदर प्रेजेंट होते हैं 2 to 8 और ये इक्वल साइज के होते हैं इनके अंदर फ्लैजिला एंड दे आर प्रेजेंट एट द एपेक्स पोर्शन। तो क्लाइमाडोमोनास का हम डायग्राम बनाए तो इसके अंदर एपेक्स पे क्या प्रेजेंट होते हैं ये फ्लैजिला और ये जो स्ट्रक्चर है कप शेप दैट इज क्लोरोप्लास्ट। यहीं पे इनका न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है एंड अदर ऑर्गेनेल।
तो फ्लैजेला इसमें 2 to 8 होते हैं और इक्वल साइज के होते हैं और एट द एपेक्स पोर्शन। हम सेल वॉल की बात करें तो इनके अंदर रिजिड सेल वॉल होती है। आउटर लेयर में जो सेल वॉल होती है, आउटर लेयर ऑफ सेल वॉल एंड इनर लेयर, तो सेल वॉल इनर तो सेलुलोज की बनी होती है, उसके ऊपर एक और कवरिंग होती है पैक्टोज की। ग्रीन एल्गे के अंदर सेलुलोज के ऊपर एक और कवरिंग होती है, वो होती है पैक्टोज की। तो ग्रीन एल्गे के अंदर हमने क्लोरोप्लास्ट की शेप, फ्लैजिलेशन एंड पिगमेंट्स देख लिए। पिगमेंट्स है क्लोरोफिल ए एंड बी। हम रिप्रोडक्शन की बात करें किसमें, ग्रीन एल्गे के अंदर, तो रिप्रोडक्शन असेक्सुअली वे में फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होता है। फ्रेगमेंटेशन इन द वेजिटेटिव, सॉरी वेजिटेटिव में फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होता है एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है फ्रेगमेंटेशन से। कोई भी एक पार्ट, हम स्पैरो का एग्जांपल है, तो एक भी फ्रेगमेंट डिटैच होगा पेरेंट बॉडी से और फिर वो खुद एक न्यू प्लांट बनाएगा, फ्रेगमेंटेशन। फिर हम बात करते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो जूओस्पोर मीन फ्लैजिलेटेड स्पोर के थ्रू होता है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वो यूनिसेलुलर एंड नॉन जैकेटेड होते हैं और गैमीट्स के बेसिस पे अगेन 3 टाइप्स के, आइसोगैमस, एनाइसोगैमस एंड ओगैमस। तो एग्जांपल्स, आइसोगैमस का एग्जांपल है क्लेमाइडोमोनास, क्लेमाइडोमोनास एंड स्पायरोगायरा। हाँ, एनाइसोगैमस में क्लेमाइडोमोनास की एक स्पीशीज है, ब्राउनी, वो शो करती है। और ओगैमस के अंदर वॉल्वॉक्स एंड कारा, ये एल्गे हैं जो कि शो करते हैं ओगैमस टाइप ऑफ दी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और ग्रीन एल्गे हमेशा हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल शो करते हैं, उनकी जो बॉडी होती है वो क्या होती है, हैप्लॉइड होती है एंड दे शो दी हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल एंड मियोसिस इज व्हाट, जायगोटिक मियोसिस एंड देयर इज नो एक्सेप्शन। बिकॉज हम रेड एंड ब्राउन एल्गे में देखेंगे कि एक्सेप्शन है, कोई हैप्लोडिप्लॉन्टिक भी शो कर रहा है और कोई डिप्लॉन्टिक भी शो कर रहा है, पर ग्रीन एल्गे के अंदर कोई भी ऐसा एक्सेप्शन नहीं है, दे ऑल हैव हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल एंड दे शो दी जायगोटिक मियोसिस। तो ग्रीन एल्गे के अंदर हमने इनका स्ट्रक्चर स्टडी किया, क्लोरोप्लास्ट का शेप स्टडी किया, सेल वॉल किस टाइप की होती है एंड देयर लाइफ साइकिल एंड द रिप्रोडक्शन मोड। नेक्स्ट में हम लोग पढ़ेंगे सेकेंड क्लास, दैट इज दी फेयोफाइसी और ब्राउन एल्गे। सेकेंड क्लास है डिविजन थैलोफाइटा की, फेयोफाइसी दैट इज आल्सो नोन एज कॉमनली ब्राउन एल्गे। जो ब्राउन एल्गे है वो मेजरली किस में मिलती है, मराइन हैबिटेट में, मराइन वाटर में, इन कंपेरिजन टू द फ्रेश वाटर दे आर मोर अबंडेंटली फाउंड इन द मराइन वाटर। हम इसकी साइज या स्ट्रक्चर की बात करें, फॉर्म की बात करें, तो बहुत ज्यादा वेरिएशन होता है इनके अंदर, क्योंकि ये फिलामेंटस, देयर शेप इज फिलामेंटस, सिंपल फिलामेंटस फॉर्म, फ्रॉम सिंपल फिलामेंटस फॉर्म टू द प्रोफ्यूशली ब्रांच्ड, मतलब हेवीली ब्रांच्ड फिलामेंटस स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द केस ऑफ ब्राउन एल्गे। तो सिंपल फिलामेंटस फॉर्म तो प्रेजेंट होती है एक्टोकार्पस, एक्टोकार्पस ब्राउन एल्गे में, और हेविली ब्रांच फिलामेंटस स्ट्रक्चर कैल। और ब्राउन एल्गे कैन टच द हाइट ऑफ 100 मीटर्स, मतलब वो इतने ज्यादा ब्रांचिंग और इतना बड़ा स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं कि 100 मीटर तक वो उनका हाइट हो सकता है।
तो जो सबसे ज्यादा मोस्ट लाइक हाइट कैल्प, और वी कैन से टॉलेस्ट कैल्प इज मैक्रोसिस्टिस, इसकी अप्रोक्सीमेटली 40 to 100 meter तक हाइट ये टच करते हैं. तो जो लार्जेस्ट हम बात करें एल्गे की, दैट इज अ ब्राउन एल्गे, दे कैन रीच अप टू द हाइट ऑफ द 100 meter. तो इनकी जो फॉर्म है, वो स्ट्रक्चर है, वो वेरिएबल हो सकती होती है, लाइक सिंपल फिलामेंटस फॉर्म से भी हाईली ब्रांच्ड फॉर्म से. और जब हम इनका शेप देखते हैं, वैसे तो ये जो एल्गे ग्रुप है वो मास होता है, अनडिफ्रेंशिएटेड मास ऑफ सेल्स, बट इनके अंदर ब्राउन एल्गे आर डिवाइडेड इनटू 3 parts. द शेप ऑफ द ब्राउन एल्गे इज डिवाइडेड इनटू 3 parts. तो सबस्ट्रेटम से, सबस्ट्रेटम मीन्स जो बेस है, ये बेस से अटैच्ड होते हैं थ्रू होल्ड फास्ट. हाँ, और ये जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, दैट इज फ्रॉन्ट, इसको हम लैमिना ऑफ लीफ की तरह कंपेयर कर सकते हैं. और ये जो दोनों स्ट्रक्चर है, होल्ड फास्ट एंड जो फ्रॉन्ट है, वो कनेक्टेड होते हैं थ्रू स्टाइप. स्टाइप, दिस इज ऑल्सो नोन एज स्टॉक. जो स्टॉक है वो स्टाइप. सो ये 3 parts है किसके, ब्राउन एल्गे के. फर्स्ट होल्ड फास्ट, सेकेंड स्टाइप, एंड थर्ड वन इज दी फ्रॉन्ट. जो फेयोफाइसी मतलब ब्राउन एल्गे है, उनके अंदर जो पिगमेंट्स होते हैं क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी, एंड दे आर हैविंग जेंथोफिल. और जेंथोफिल में उनके पास जो जेंथोफिल का टाइप है वो होता है फ्यूकोजेंथिन. और जो ये फ्यूकोजेंथिन होता है, इसी के कारण जो कलर है वो ब्राउन अपीयर होता है. ब्राउन कलर इज गिवन बाय द फ्यूकोजेंथिन ऑफ जेंथोफिल. फ्यूकोजेंथिन जो पिगमेंट है वो उनको क्या देता है, ब्राउन कलर कर देता है, जिससे कि वो जो एल्गे है वो ब्राउन अपीयर होते हैं फ्यूकोजेंथिन. हम जब इनके स्टोर्ड फूड की बात करें, किनके, ब्राउन एल्गे के स्टोर्ड फूड होता है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, लैमिनेरियन और मैनीटॉम. जो स्टोर्ड फूड होता है वो लैमिनेरियन एंड मैनीटॉल होता है. तो पिगमेंट इनका अलग होता है, देन स्टोर्ड फूड अलग होता है. उसके बाद बात करें हम लोग फ्लैजिलेशन की, तो इनके अंदर 2 flagella प्रेजेंट होते हैं, बट अनइक्वल जो साइज होती है वो अनइक्वल होती है. और हमने किसके केस में देखा था इक्वल, ग्रीन एल्गे के अंदर. ग्रीन एल्गे के अंदर क्या होता है, इक्वल होती है. तो सेल वॉल इन केस ऑफ ब्राउन एल्गे, दे हैव सेलुलोज सेल वॉल, और उसके आउटर कवरिंग पे एक जिलेटिनियस शीट होती है एल्जिन. इन द केस ऑफ ब्राउन एल्गे, सेलुलोज के अलावा उनके अंदर जो बाहर की एक और जिलेटिनियस शीट होती है वो होती है एल्जिन की. दिस इज अ स्पेशलिटी ऑफ फेयोफाइसी ब्राउन एल्गे. हम रिप्रोडक्शन देखें, इन द केस ऑफ रिप्रोडक्शन, जो फर्स्ट रिप्रोडक्शन है वेजिटेटिव वीआर, ये किसके थ्रू होता है, फ्रेगमेंटेशन कॉमनली इन ऑल द एल्गे. फिर हम बात करते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, इसमें भी जोस्पोर के थ्रू ही होता है, बट जो फ्लैजिला होता है, फ्लैजिला इज अनइक्वल. इनके अंदर जो फ्लैजिला होते हैं वो अनइक्वल होते हैं. और जो जो स्पोर होता है, मतलब जो स्पोर होता है वो पियर शेप का होता है. ये स्पेशलिटी किसकी है, ब्राउन एल्गे की. जो स्पोर होता है वो किसका होता है, शेप का, पियर शेप, इसको पायरी फॉर्म भी बोलते हैं. तो इट्स अ कॉमन की पायरी फॉर्म
जूओस्पोर किस पे पाया जाता है, वो है ब्राउन एल्गे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये तीनों टाइप से शो करते हैं, आइसोगैमस, एनाइसोगैमस एंड दी ओगैमस। और इनके अंदर भी जो फ्लैजिला होता है गैमीट्स के अंदर वो अनइक्वल होता है, प्लस जो गैमीट्स की शेप होती है वो पियर शेप होती है, पायरीफॉर्म। सो पायरीफॉर्म गैमीट्स इज अ यूनिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दी ब्राउन एल्गे। और ब्राउन एल्गे के अंदर जो ब्राउन एल्गे के अंदर जो लाइफ साइकिल होती है वो हैप्लॉन्टिक ही होती है, बट एक्सेप्शंस आर देयर, बिकॉज ग्रीन एल्गे के अंदर तो कोई एक्सेप्शन नहीं था, पर ब्राउन एल्गे के अंदर एक्सेप्शन है एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो फ्यूकस होती है ब्राउन एल्गे वो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल शो करती है, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। एंड एक्टोकार्पस एंड कैल्प्स दे शो दी हैप्लो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, अदरवाइज जो रेस्ट ब्राउन एल्गे है वो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल ही शो करते हैं। तो ब्राउन एल्गे के अंदर हाँ एग्जाम्पल आप देख सकते हैं और भी, डिक्टियोटा, सार्गासम, लैमिनेरियन, दीज आर अदर ब्राउन एल्गे एग्जाम्पल्स। ये सारे एनसीईआरटी में गिवन है, इसलिए हमें एनसीईआरटी का हर एक एग्जाम्पल याद करना है, मेमोराइज करना है। तो ब्राउन एल्गे के अंदर स्टोर्ड फूड होता है लैमिनेरियन एंड मैनिटॉल, उसके अंदर फ्लैजिला होते हैं अनइक्वल। स्टोर्ड फूड हमने लैमिनेरियन एंड मैनिटॉल देखा, उसके अलावा उनके अंदर जो शेप होती है वो वेरिएबल होती है। पिगमेंट होता है क्लोरोफिल ए एंड सी, एंड उनके अंदर फ्यूकोजेंथिन की प्रेजेंस के कारण जो वो होते हैं ब्राउन अपीयर होते हैं। इसके बाद हम थर्ड क्लास पढ़ेंगे, दैट इज द रोडोफाइसी रेड एल्गे। सो लास्ट क्लास ऑफ थैलोफाइटा इज रोडोफाइसी रेड एल्गे। तो रेड एल्गे का जो हैबिटेट है वो भी मेनली मैराइन ही है, वो मैराइन हैबिटेट में पाई जाती है एंड विद ग्रेटर कंसंट्रेशन इन द वार्मर रीजन। मतलब कि जो रेड एल्गे वो मोस्टली वार्मर रीजन में पाई जाती है। और इसकी बात करें तो ये वेल लाइटेड एरिया मीन्स जो सी का एरिया है जो डायरेक्टली लाइट से कनेक्टेड है उसके वहां भी वो प्रेजेंट होते हैं, प्लस वो डेप्थ के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं। सो रेड एल्गे कैन बी सीन इन द सी शोर प्लस इन द डेप्थ ऑफ द सी आल्सो। जो इनका स्ट्रक्चर होता है दे आर मल्टी सेलुलर, रेड एल्गे इज मल्टी सेलुलर, बट एक्सेप्शन है पोरफायरिडियम। जो ये रेड एल्गे है वो है यूनिसेलुलर, अदरवाइज रेस्ट रेड एल्गे आर दी मल्टी सेलुलर। अब जो ये रेड कलर है वो किस पिगमेंट के थ्रू आता है, तो इनके अंदर जो पिगमेंट होता है क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल डी, इसके अलावा उनके पास होता है आर फाइको एरिथ्रिन, दिस इज गिविंग दी रेड कलर। ये एक रेड पिगमेंट है जो कि रेड कलर प्रोवाइड करता है किसको, रेड एल्गे को। इनका जो स्टोर्ड फूड होता है, रेड एल्गे इज हैविंग द स्टोर्ड फूड दैट इज फोलिडिन स्टार्च। रेड एल्गे के अंदर स्टोर्ड फूड फ्लोरिडियन स्टार्च, जो कि सिमिलर होता है किसके, माइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन इन स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में ये सिमिलर होता है, सिमिलर इन स्ट्रक्चर ऑफ एमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन। इसमें फ्लैजिलेशन की बात करें तो नो सीलिया एंड फ्लैजिला, इनके अंदर ना ही सीलिया प्रेजेंट होते हैं ना ही फ्लैजिला। जो पहले वाली दो क्लासेस से उनमें फ्लैजिला प्रेजेंट है, इनके अंदर नो सीलिया एंड नो फ्लैजिला प्रेजेंट। एंड रिप्रोडक्शन की मेनली बात करें तो रिप्रोडक्शन जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है
वो फ्रेगमेंटेशन के थ्रू नॉट असेक्सुअल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किसके थ्रू होता है, फ्रेगमेंटेशन के थ्रू असेक्सुअल बाय अप्लेनोस्पोर। अप्लेनोस्पोर कौन से होते हैं, जो कि नॉन मोटाइल होते हैं, क्योंकि उनके अंदर क्या प्रेजेंट नहीं होता, फ्लैजेला प्रेजेंट नहीं होता। हमने पहले ही बोल दिया कि इन द रेड एल्गी दे डोंट हैव व्हाट, सीलिया एंड फ्लैजेला। तो उनका जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो किससे हो रहा है, अप्लेनोस्पोर से हो रहा है। एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो इसके अंदर होता है मेनली ओगैमस टाइप का होता है, मेनली ओगैमस टाइप का होता है। एंड इनके अंदर जो लाइफ साइकिल है, सेम लाइफ साइकिल इनके अंदर भी कौन सी होती है, हैप्लॉन्टिक। लाइफ साइकिल ऑफ रेड एल्गी इज हैप्लॉन्टिक, बट एक्सेप्शन इज आल्सो हियर पॉलीसिफोनिया। जो पॉलीसिफोनिया एल्गी है, रेड एल्गी है, वो कौन सा शो करती है, हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। हमें ये एक्सेप्शन मेमोराइज करने हैं बिकॉज दे आर डायरेक्टली गिवन इन द एनसीईआरटी एंड दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो रेड एल्गी के अंदर हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होती है, बट एक्सेप्शन इज देयर पॉलीसिफोनिया, जो कि हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल शो करता है। और हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल के अंदर कौन सा मियोसिस होगा, जायगोटिक मियोसिस। हम कुछ और रेड एल्गी के एग्जाम्पल देखते हैं, पोरफायरा, लेसिलेरिया एंड जेरिडियम। हमें सारे एग्जाम्पल्स जो गिवन है एनसीईआरटी में वो मेमोराइज करने हैं। तो दीज आर द टाइप ऑफ द रेड एल्गी। तो हम तीनों क्लासेस का कंपैरेटिवली स्टडी करें बिकॉज कंपैरिजन इज गिवन इन योर एनसीईआरटी। तो हमें कंपैरिजन पूरा डिटेल में स्टडी करना है, क्योंकि हमने रेड ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी एंड रेड एल्गी डिटेल में स्टडी कर लिया है। तो हम एक फास्ट वाला कंपैरिजन करते हैं। दिस इज ग्रीन एल्गे, देन ब्राउन एल्गे, देन रेड एल्गे। तो हम हैबिटेट की बात करें तो ये फ्रेश वाटर मराइन एंड दी ब्रैकिश में मिलते हैं। ब्राउन एल्गे मेनली किस में मिलते हैं, मराइन में, और रेयरली इन द फ्रेश वाटर। दिस इज ऑल्सो लाइक मराइन हैबिटेट पे ज्यादा मिलते हैं। फिर हम बात करते हैं ग्रीन एल्गी के अंदर क्लोरोफिल ए एंड बी प्रेजेंट होता है। ब्राउन एल्गी में क्लोरोफिल ए एंड सी प्लस फ्यूकोजेंथिन होता है, जो उसको ब्राउन कलर देता है। रेड एल्गी के अंदर क्लोरोफिल ए डी प्लस आर फाइकोएरिथ्रिन प्रेजेंट होता है। इनके अंदर जो स्टोर्ड फूड होता है वो स्टार्च एंड ऑयल ड्रॉपलेट होता है। ब्राउन एल्गी के अंदर स्टोर्ड फूड लैमिनेरियन एंड मैनिटॉल। रेड एल्गी के अंदर फ्लोरिडिन स्टार्च। फिर हम बात करते हैं फ्लैजिलेशन की, तो इसमें 2 to 8 फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं इक्वल शेप के। इनके अंदर अनइक्वल प्रेजेंट होते हैं और रेड एल्गी के अंदर एब्सेंट होते हैं। तो हमने पिगमेंट, हैबिटेट, स्टोर्ड फूड एंड फ्लैजिलेशन के बेसिस पे इन एल्गेस को डिफ्रेंशिएट किया। तो हमने सारे एग्जाम्पल्स प्लस उनकी लाइफ साइकिल सब स्टडी कर लिया है। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की, सब की, ग्रीन एल्गी, रेड एल्गी एंड ब्राउन एल्गी क्या इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट है। लास्ट टॉपिक ऑफ एल्गे इज इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ एल्गे। एल्गे जो सारी मतलब ब्राउन, ग्रीन एंड रेड, वो एज अ फूड भी यूज होती है। लाइक मोर देन 70 स्पीसीज ऑफ मैराइन एल्गे आर यूज एज अ फूड। एग्जाम्पल पोरफायरा, युल्वा। सो इनकी मराइन स्पीसीज जो होती है वो एज अ फूड भी यूज होती है। फिर हम बात करते हैं फूड सप्लीमेंट्स की। तो हमने ब्लू ग्रीन एल्गे, स्पिरुलिना, वो डिस्कस किया था, प्लस क्लोरेला जो कि ग्रीन एल्गे है। ये दोनों ही बहुत ही रिच सोर्स है किसके, प्रोटीन के। दे आर द रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन। तो इनको, इन दोनों को प्रोटीन रिच सोर्स है स्पिरुलिना एंड क्लोरेला, जो कि यूज किए जाते हैं स्पेस ट्रेवलर्स के। स्पेस ट्रेवलर भी इनको यूज करते हैं एज अ न्यूट्रिशन सप्लीमेंट। फिर हम बात करते हैं
नेक्स्ट इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की, दैट इज फोटोसिंथेसिस. नियरली 50% ऑफ फोटोसिंथेसिस मींस CO2 फिक्सेशन पूरे वर्ल्ड का किसके थ्रू होता है? एल्गी के थ्रू. नियरली 50% जो CO2 फिक्सेशन और फोटोसिंथेसिस होता है वो एल्गी के थ्रू होता है. एंड फोटोसिंथेसिस हो रहा है तो क्या रिलीज होगा? ऑक्सीजन. तो जो ये ऑक्सीजन रिलीज होती है वो यूज की जाती है किसके थ्रू? जो एक्वेटिक एनिमल्स है, एक्वेटिक में जो एक्वेटिक एनिमल्स और प्लांट्स है, रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन यूज करते बाय द फिक्सेशन ऑफ द CO2 बाय द एल्गी. फिर हम नेक्स्ट इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की बात करें तो प्राइमरी प्रोड्यूसर, एक्वेटिक लाइफ में जो प्राइमरी प्रोड्यूसर है वो है एल्गी. एल्गी मराइन फ्रेश वाटर एंड द ब्रैकिश के अंदर प्राइमरी प्रोड्यूसर है, जो कि किस में हेल्प करते हैं? फूड चेन में. फूड चेन में प्राइमरी प्रोड्यूसर कौन हुए? एल्गी. इन द एक्वेटिक वर्ल्ड. फिर हम लास्ट इसके इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट की बात करते हैं, हाइड्रोक्लोराइड्स. हाइड्रोक्लोराइड्स केमिकल सब्सटेंसेस हैं जो कि वाटर होल्डिंग केमिकल सब्सटेंस है. वाटर होल्डिंग सब्सटेंस ये बेसिकली मराइन रेड एल्गी एंड ब्राउन एल्गी में से फॉर्म होते हैं. रेड एल्गी के अंदर केराजीन हाइड्रोक्लोराइड बनता है एंड ब्राउन एल्गी में एल्जी, वो एज अ वॉटर होल्डिंग सब्सटेंस यूज होते हैं. प्लस एक और इंपॉर्टेंट थिंग है जो कि रेड एल्गी से बनती है, वो है अगार. अगार फॉर्म होता है रेड एल्गी से. जो अगार होता है वो यूज होता है एज अ कल्चर मीडियम फॉर द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. अगार जो प्रोड्यूस होता है किससे? रेड एल्गी जेलिडियम एंड ग्रेसिलेरिया. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. हाँ, ये जो दोनों रेड एल्गी हैं वो प्रोड्यूस करती हैं अगार, और अगार यूज होता है एज अ कल्चर मीडियम. अगार यूज होता है एज अ कल्चर मीडियम फॉर द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. लेबोरेटरी के अंदर अगार को यूज किया जाता है फॉर द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. इसके साथ साथ दे आर ऑल्सो यूज इन द फॉर्मेशन ऑफ आइसक्रीम एंड जेलीज इन द फूड इंडस्ट्री. तो हमने ये इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस देखा. फूड एज अ फूड भी यूज होते हैं, फूड सप्लीमेंट भी एज ए यूज होते हैं. नियरली 50% ऑफ फोटोसिंथेटिक मतलब CO2 फिक्सेशन इज डन बाय द एल्गी. देन दे आर द प्राइमरी प्रोड्यूसर ऑफ द एक्वेटिक वर्ल्ड एंड दे आर ऑल्सो प्रोड्यूस अ सब्सटेंस, वाटर होल्डिंग सब्सटेंस, हाइड्रोक्लोराइड्स. तो हमने फर्स्ट डिविजन ऑफ प्लांट दैट इज हेलोफाइटा स्टडी कर लिया. उनके थ्री क्लासेस डिटेल में स्टडी किए, रेड एल्गी, ब्राउन एल्गी एंड द ग्रीन एल्गी एंड देयर इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस. हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिविजन ब्रायोफाइटा पढ़ेंगे डिटेल में.